सो इस प्रेजेंटेशन में हम एक और क्वेश्चंस की बात करेंगे, एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। सो उस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो ये रहा, देखो 0 से 1 एंड x से 2 माइनस x dy dx कन्वर्ट किस में करना है हमें, dx dy x by y भी हमारा सेम है। इधर हमें y की वैल्यू दी है, एक बार x दी है एंड एक बार 2 माइनस x दी है, इसको किसी और पेन से लिख दे। इधर हमें y की वैल्यू दी है, एक बार y equals to x एंड y equals to 2 माइनस x, मतलब ग्राफ किस वे में प्लॉट होगा, y equals to x का मतलब ग्राफ हमारा सेम सीधा y equals to x का, y equals to 2 minus x का हम प्लॉट करेंगे। वो कैसे प्लॉट करेंगे, करा है कभी, x की वैल्यू जब 0 डाली y की वैल्यू आई 2, एक बार y की वैल्यू x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू आई 0, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2 एंड ये पॉइंट हो जाएगा 2,0 एंड लाइन हमारी कुछ इस वे में प्लॉट हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आई, y इक्वल्स टू 2 माइनस x, y इक्वल्स टू 2 माइनस x। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, सबसे पहले y हो रहा है मतलब कुछ इस वे में हो रहा है, y इक्वल्स टू x से, y इक्वल्स टू x से चला y इक्वल्स टू 2 माइनस x तक चला, है ना, ये इक्वेशन ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू 2 माइनस x। एंड इस बार हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू लेनी है एंड देन y की लेनी है, ठीक है, देन हमें y की लेनी है। तो मतलब ये तो हमारा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन था जब हम वर्टिकली कर रहे थे, अब हमें हॉरिजॉन्टिकल करना है, तो आधा एरिया तक, इस एरिया तक हमारी x की वैल्यू इधर से इधर तक जाएगी, नीचे वाले में दूसरी लाइन आ रही है, दिख रहा है इधर दो लाइनें बन रही है, ये एंड पॉइंट इनके चेंज हो गए, मतलब हमें दो बार इंटीग्रेशन करना है। दो बार इंटीग्रेशन का मतलब है कि x अपॉन y dy by dy dx प्लस ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, वो हमने ये लिखा है, एंड सेकंड पार्ट क्योंकि इसका एंड पॉइंट, इसकी लाइन चेंज है एंड इसकी लाइन चेंज है, ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट ये रहा, ठीक है। सो इधर हम x की वैल्यू जो लेंगे वो दूसरी होगी, ठीक है, x की वैल्यू जो लेंगे वो दूसरी होगी एंड y की दूसरी होगी, कैसे होगा अब आगे वो देखते हैं। देखो जब हम शुरुआत की बात करें, x की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 से, है ना, तो 0 से x की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 से, कितनी बात दिख रही है सबको, कितनी बात दिख रही है सबको, सो x की वैल्यू हमारी शुरू हुई 0 से एंड खत्म कहां हो रही है, 2 माइनस x तक, सो 2 माइनस x, ठीक है। इधर देखो x की वैल्यू 0 से शुरू हुई, खत्म कहां हो रही है, x पे, x की वैल्यू 0 से शुरू हुई, x इक्वल्स टू y, सॉरी यहां 2 माइनस x नहीं होगा, इधर से x की वैल्यू क्या देगी, इधर से x की वैल्यू आ गई हमारी 2 माइनस y, तो इधर हमारी वैल्यू चलेगी 2 माइनस y, 0 से 2 माइनस y एंड 0 से y, है ना, इतनी बात समझ आ गई। y की वैल्यू क्या होगी अब y देखते, तो पहले वाले में y हमारा कहां से चल रहा है, 0 से, 0 से ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, अगर हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं तो हम अपनी बुलंदियां छू सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू x है एंड y इक्वल्स टू 2 माइनस x है, ऊपर वाली नीचे वाली में डालो तो x इक्वल्स टू 2 माइनस x, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो y भी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट है हमारा 1,1, ये पॉइंट है हमारा 1,1, 1,1। सो अगर इसका देखें तो y 0 से लेके 1 तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक, तो यहां 0 से लेके 1 तक जाएगा y एंड इधर से 1 से लेके 2 तक, फॉर फर्स्ट पार्ट 1 से लेके 2 तक, ठीक है, एंड अंदर क्या रहेगा हमारा, x by y dy dx, x by y dy dx, इसके आगे आई डोंट थिंक कि किसी को परेशानी होगी, क्यों वो देखते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन अपने आप में बन चुके हैं, इसको हटा दो, डिजाइन हटा दो अब सारे, अब सिर्फ सिंपल सा हमारा इक्वेशन दिखा दो।
क्या है, नॉर्मल सी इक्वेशन ही है। अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं, ये भी मिटा सकते हैं। सो हमारी इक्वेशन क्या है, ये जीरो। अब ब्लैक पेन से लिखूंगा तो और इजी लगेगा, क्योंकि लगेगा अलग अलग रंग नहीं छेड़े हमारी हमारी जिंदगी में, सिर्फ एक रंग है काला, है ना। सो ये वही काला रंग, ठीक है। सो आगे चलते हैं, एक्स बाय वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे, देन बाद में डी एक्स का करेंगे, डी एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, बाद में डी एक्स का करेंगे, डी एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स को भी बाहर निकाल लें क्योंकि डी वाई के रिस्पेक्ट में करना है। सो वन से लेकर टू तक एक्स डी एक्स बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन हमने करना है जीरो से टू माइनस वाई का, वन बाय वाई डी वाई प्लस जीरो से लेके वन एक्स डी एक्स बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन जीरो से वाई करना है। दो मिनट, सॉरी इसलिए कि पहले डी एक्स का होगा, इधर डी वाई डी एक्स था ना, इधर पहले डी एक्स होगा बाद में डी वाई होगा ना। सो यहाँ डी एक्स पहले आएगा बाद में डी वाई आएगा, ऑर्डर भी तो चेंज करना है, डी वाई डी एक्स हमने ऑर्डर तो चेंज कर दिए, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पहले डी एक्स के साथ रिस्पेक्ट में होना चाहिए, डी एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, है ना। तो ये वो चीज़ की, तो बाहर जो आएगा वो हमारी वाई की टर्म आएगी, वन बाय वाई डी वाई बार, अंदर रहेगा जीरो से टू माइनस वाई एक्स डी एक्स प्लस जीरो से वन वन बाय वाई डी वाई जीरो से वाई एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ आई, आगे चले। तो आगे देखो, वन से लेके टू तक वन बाय वाई डी वाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो से टू माइनस वाई प्लस जीरो से लेके वन तक वन बाय वाई डी वाई एक्स स्क्वायर बाय टू, इंटीग्रेशन जीरो से वाई तक करें, वन से लेके टू तक वन बाय वाई डी वाई टू माइनस वाई का होल स्क्वायर अब बाय टू प्लस जीरो से लेके वन तक वन बाय वाई डी वाई वाई स्क्वायर बाय टू, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। आगे देखो, वन से लेके टू तक वन बाय वाई डी वाई टू माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय टू, डी वाई बाहर निकाल देते, ठीक है, ये रह गया। एंड आगे क्या रह गया, वाई स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से वाई कट गया, क्या बचा रह गया, जीरो से वन वाई डी वाई डिवाइडेड बाय टू। अब डी वाई के रिस्पेक्ट में दोनों को इंटीग्रेट करना है और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा वाई का टू लॉग टू माइनस वन, बेसिकली मेरे को जो बताना था वो यहां तक बताना है, इसलिए इसके आगे मैंने पेन चेंज कर दिया कि इंटीग्रेशन तो हर कोई कर सकता है, इंटीग्रेशन करने में किसी को भी परेशानी आनी नहीं चाहिए, है ना बेटा। अगर फिर भी किसी को भी परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।